हाउ आर यू क्लास फर्स्ट, वेलकम टू द श्री केतेश्वर इंग्लिश अकेडमी। टुडे इज अवर सब्जेक्ट इज जीके। आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके और हम आपके जीके में पढ़ेंगे चैप्टर 29। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 29, जिसका नेम है ट्रिकी रिडल्स। ट्रिकी रिडल्स मीन्स मुश्किल पहेलियाँ। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पहेलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, पहले देखते हैं हमें इस चैप्टर में करना क्या है। सिट इन द ग्रुप्स ऑफ थ्रीज, हमें देखो ये क्या बोल रहा है, तीन के ग्रुप में बैठना है। रीड द गिवन रिडल्स एंड सर्कल देयर आंसर इन द वर्ड्स मेज एज क्विकली एज यू कैन। द वन हु विल डू इट क्विकली एंड हैव मोर करेक्ट आंसर विल बी द विनर। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमें है ना थ्री के ग्रुप में बैठना है और इसको क्या करना है, इस पहेली को सॉल्व करना है। यहाँ पे पहेली के दे रखी है उसको पढ़ के उसको सॉल्व करना है, और ये जो मेज दे रखी है इसमें हमें क्या करना है, उस पहेली को ढूंढ के बताना है, उसको सर्कल करना है पहेली को ढूंढ के। जैसे होल, यहाँ पे क्या दे रखा है, होल, तो हमें होल अब इस पहेली में ढूंढना है। जो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं इनमें हमें होल की स्पेलिंग ढूंढनी है। जो ये सबसे पहले करेगा वो कौन होगा, विनर होगा। तो अब हम क्लास में है नहीं तो हम सीट थ्री थ्री के ग्रुप्स में बैठ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हम अकेले ही करेंगे, आप मेरे साथ ये चैप्टर करोगे। हम साथ में ही बैठे हैं। हम अब क्या करेंगे, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इस पहेलियों को हम सॉल्व करेंगे। ओके तो स्टार्ट करें। फर्स्ट देखो क्या दे रखा है आपके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। What have, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। What has a round face, two hands, which always runs but never moves? वह कौन सी चीज़ है जो हमेशा दौड़ती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन कभी, जिसके टू हैंड्स है और गोल फेस है लेकिन वो कभी मूव नहीं करती, मतलब कभी हिलती नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह कभी जाती नहीं है, जो चलती तो है लेकिन मूव नहीं करती, हिलती नहीं है, तो वह कौन सी चीज़ है? तो यहाँ पे देखो बताओ, यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, आप उन पिक्चर्स में देखो और फिर बताओ आपको क्या लगता है। जिसके टू हैंड्स है, वन राउंड फेस है और वो भी वाइट, यस, क्या होगा वो? क्लॉक। क्या होगा? क्लॉक। तो अब जो ये क्लॉक है उसको आपको इसमें ढूंढना है। बताओ क्लॉक कहाँ है, ये जो आपको दिख रहा है पूरा, इसमें आपको क्लॉक को ढूंढना है। तो अब आप बताओ क्लॉक कहाँ है। हम सबसे पहले क्लॉक को ढूंढेंगे और आप बताओ क्लॉक कहाँ है, ढूंढो इसमें, आपको कहीं पे क्लॉक मिल रही है? मिली, ढूंढो कहाँ है क्लॉक। यस, ये रहा, सी एल ओ सी के। क्लॉक की क्या स्पेलिंग होती है? सी एल ओ सी के। तो देखो ये रहा सी एल ओ सी के क्लॉक, यहीं तक ही है ये सी एल ओ सी के क्लॉक। आप लोग इसे पूरा कवर कर लो, मैं इसे थोड़ा सा ही कवर करूँगी। सी एल ओ सी के, यहाँ से यहाँ तक, सी एल ओ सी के क्लॉक। क्लॉक मिल गया। ओके, हमने एक तो ढूंढ लिया, नेक्स्ट देखो क्या है। कलेस अपने इसका रफ कर दूँ ये एक बार। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है पहली, If you throw a white rock into the red sea, what does it become? अगर हम एक white पत्थर को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम किसी white चीज़ को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, white पत्थर को, तो वो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो आप wet, इंग्लिश में गीले को क्या बोलते हैं हम, wet, डब्ल्यू ई टी, वेट। तो अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि वेट कहाँ पर है, ढूंढो इस पहेली में।
डब्ल्यू ई टी वेट की स्पेलिंग क्या होती है, डब्ल्यू ई टी ढूंढो वेट कहाँ पर है, ये रहा डब्ल्यू ई टी मिला। अब आप इसको अच्छे से सर्कल कर लो, डब्ल्यू ई टी वेट, वेट मीन्स गीला, वेट मीन्स गीला, सब लोग कर लो एक बार ये। कर लिया, ओके नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, आई हैव कीज बट नो लॉक, आई हैव की बट नो लॉक, मैं की हूँ लेकिन मैं क्या, लेकिन मेरा क्या नहीं है, लॉक नहीं है। आई हैव स्पेस बट नो रूम, मुझ में स्पेस है लेकिन मैं रूम नहीं हूँ। यू कैन एंटर बट कैंट गो आउटसाइड, आप एंटर कर सकते हो लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते। वॉट आई एम, तो मैं क्या हूँ, देखो क्या बोल रहा है ये, मेरे पास की है लेकिन लॉक नहीं है, ठीक है, मुझ में स्पेस है लेकिन मैं रूम नहीं हूँ, आप एंटर तो कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते, तो ये क्या है। यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, आप बताओ इन पिक्चर्स में ये क्या हो सकता है, कीज है, स्पेस है, एंटर है, तो ये सारी चीज़ें किस में होती है, कीज, स्पेस, एंटर, कंप्यूटर पढ़ा है ना हमने, तो बताओ। यस, इसका क्या होगा, कीबोर्ड, क्या होगा, कीबोर्ड। तो अब हमें कीबोर्ड की स्पेलिंग ढूंढनी है इसमें, तो ढूंढो कीबोर्ड की स्पेलिंग आप। देखो कहां पर है कीबोर्ड, जल्दी से ढूंढो, कौन जल्दी ढूंढता है, देखो मेरे को मिल गई, बताऊं आपको, ये रही के ई वाई की बी ओ ए आर डी बोर्ड, यहाँ तक पूरी कीबोर्ड है ना, के ई वाई बी ई डी, के ई वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड, के ई वाई बी ओ ई ए डी कीबोर्ड। कर लिया सबने सर्कल इस पे, नेक्स्ट करें, ओके नेक्स्ट देखो आपकी क्या है, द मोर यू टेक अवे फ्रॉम मी द बिगर आई गेट, हु एम आई, द मोर यू टेक अवे फ्रॉम मी, जब आप मुझे दूर से देखते हैं तो मैं क्या लिखता हूँ, क्या दिखता हूँ, बड़ा दिखता हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ। बताओ क्या है ये, होल, क्या होगा ये, होल, तो आप इसका लिखो होल। अब ढूंढो आप यहाँ पे होल की स्पेलिंग, होल कहाँ पर है, एच ओ एल ई होल होता है, तो बताओ होल कहाँ पर है। यस, ये रहा होल, एच ओ एल ई होल, मिला आपको होल, एच ओ एल ई होल, ये है होल। कर लिया सबने सर्कल, होल वाय, ओके नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट क्या है, द मोर इट ड्राइज बट, सॉरी, द मोर इट ड्राइज द वाटर इट गेट, व्हाट इज इट, ये क्या बोल रहा है, द मोर इज ड्राई, द मोर इट ड्राइज द वाटर द वेटर इट्स गेट, ये जल्दी गीला होता है और जल्दी सूख भी जाता है, तो ये क्या है, जल्दी गीला होता है और सूख भी जाता है, तो ये होगा टॉवल, क्या होगा, टॉवल, सॉरी क्या होगा, टॉवल, टी ओ डब्ल्यू ई एल टॉवल। तब आप देखो यहाँ पे टॉवल कहाँ पर है, स्पेलिंग ढूंढो आप टॉवल की, यस ये रहा,
TOWEL टॉवल, ये यहाँ तक TOWEL टॉवल। कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास बचा है, क्या है देखो ये क्या बोल रहा है। व्हाट इज ब्लैक व्हेन इट इज क्लीन एंड व्हाइट व्हेन इट इज डर्टी। देखो ये क्या बोल रहा है, ये जब ब्लैक है तो ये क्या है, क्लीन है, लेकिन जब ये वाइट होता है तो ये क्या होता है, डर्टी हो जाता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से वो क्या है, इन पिक्चर्स में से जब तक वो ब्लैक रहेगा तब तक वो क्लीन हो जाता है, लेकिन जब वो वाइट होता है तो वो क्या हो जाता है, डर्टी, गंदा हो जाता है। तो अब बताओ क्या होगा। यस, क्या होगा, ब्लैक बोर्ड। क्या होगा, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड कैसा होता है, ब्लैक होता है ना, तो जब हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो वो क्या होता है, वाइट होता है, और वाइट होके क्या हो जाता है, ब्लैक बोर्ड, गंदा हो जाता है ना। और जब वो हम उसे वापस साफ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वापस ब्लैक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, क्लीन। तो इसका क्या होगा, ब्लैक बोर्ड। तो अब आप ढूंढो ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग। ये रही, देखो मिल गई मेरे को, यहां से BLACK ब्लैक, BORD बोर्ड, यहाँ तक ब्लैक बोर्ड, BLACK ब्लैक, BORD बोर्ड। मिल गई, सर्किल करो सब लोग आप। ओके क्लास, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आप देखो कैसे वर्क करोगे अपनी बुक में, एक बार वो देख लो। आपको इस तरीके से करना है जैसे मैंने किया है, कलर से। अभी आपने पेंसिल से किया होगा, अब आप कलर लेके उसको अच्छे से ऐसे करो जैसे मैंने किया है। अब आपको ये वर्क है जो ये चैप्टर 26 है, ये आपको बुक में ही करना है, ये नोटबुक में करने जैसा नहीं है, तो आप इसे नोटबुक में नहीं करोगे। ओके, ये आपको बुक में ही करना है। नाउ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।